नमस्कार, मैं हूं वरुण जौहरी और आप देख रहे हैं द लीगल ऑब्जर्वर। हाल ही में जो सुर्खियों में एक केस आपकी नजर में आ रहा होगा कि एकता कपूर पर और उनकी मदर शोभा कपूर पर जो केस रजिस्टर्ड हुआ है, वारंट इशू हो चुका है बेगूसराय से। शंभू कुमार जी जो एक्स सर्विसमैन थे, उन्होंने ये केस रजिस्टर किया था 2020 में। उसके बाद में उनके जो वकील हैं आज हमारे साथ में हैं, ऋषिकेश पाठक जी। पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लीगल ऑब्जर्वर में। नमस्कार। जी पड़क जी, बताइए, पूरा विस्तार से थोड़ा बताइए कि कब से ये केस शुरू हुआ था, कोर्ट में क्या मामला चला, किस तरह से शंभू कुमार जी की जो भावनाएं हैं वो इससे आहत हुई थी। शंभू कुमार एक एक्स आर्मी मैन है और उन्होंने और उनके एसोसिएट ने जब 5/6/2020 का वो वेब सीरीज यूट्यूब पे देखा, जिसमें सैनिक जब अपने ड्यूटी पे होते हैं तो उनके एब्सेंस में उनकी वाइफ को ये दिखाया गया कि उनके कपड़े पहन के किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। जी इसको देख के उनका जो मेंटल एगोनी था वो हर्ट किया और उनका जो समाज में उनके प्रति जो सैनिक के प्रति सम्मान था उसको जी एक झटका लगा। इन सब जी बातों को लेके 6 जून 2020 को इन्होंने एक कंप्लेंट फाइल किया जिसका जी नंबर 524 रजिस्टर्ड हुआ और वो राजीव कुमार के कोर्ट में ट्रांसफर हुआ, जहां से वर्ष 2021 में इनको दोनों को शोभा और एकता को जी कोर्ट में उपस्थित होने का सम्मन गया। और जिस सम्मन के प्रोसेस से कोर्ट ने अपने को सेटिस्फाई समझ के आज अरेस्ट वारंट इशू किया कल। बिल्कुल, आपको आपको पता होगा कि इस तरह का जो इस सेम इसी वेब सीरीज पर और इसी एपिसोड पर इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में भी इस पे केस चल रहा था। वो 3X नाम का वेब सीरीज था जिसको जी यूट्यूब के साथ साथ जितना भी मनोरंजक चैनल है जी सब पे अपलोड किया गया था। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के वेब सीरीज को अपलोड करने का एक तो उद्देश्य टीआरपी बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल सेना जो हमारे देश की शान है और उसके प्रति इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी को लेके उनके जी परिवार के बनावट को एक पब्लिक डोमेन में लाना ये अपने आप में एक संज्ञेय अपराध है। और इसीलिए मैंने जो भारतीय दंड संहिता की धारा 499, 500, 504, 505 के साथ साथ 124A में भी हमने केस रजिस्टर्ड किया था, बट कोर्ट ने 124 का ये मामला नहीं माना और उनको बाकी का मानहानि और क्रिमिनल इंटिमिडेशन का और क्रिमिनल ब्रीच जी ऑफ पीस का केस पाते हुए समन किया। बिल्कुल पटक जी, थोड़ा विस्तार से बताइए कोर्ट में किस तरह से सुनवाई हुई, और ये क्योंकि पुराना 2020 से ये केस मामला कोर्ट चला आ में रहा है, कोर्ट में क्या आदेश दिया कोर्ट ने। जो भूतपूर्व सैनिक शंभू कुमार है परिवादी हैं उनकी गवाही हुई, उनके साथ साथ अन्य दो जो विटनेसेस थे इंक्वायरी विटनेस जांच साक्ष के रूप में आए थे जी वो भी भूतपूर्व सैनिक थे। सारे लोगों ने जो वीडियो देखा था तो उससे मर्माहत थे और उससे उनकी जो पारिवारिक और सामाजिक प्रतिष्ठा थी उसको चोट पहुंची और गली मोहल्लों में लोगों ने सेना के बारे में अपमानजनक टिप्पणी को इंगित करना शुरू कर दिया कि ऐसा भी सेना बिल्कुल होता है, इस तरह के सैनिक होते हैं, ऐसा इनका परिवार होता है। तो इस सारे चीजों को उन्होंने प्रथम दृष्टया केस को सही पाते हुए समनिंग ऑर्डर मैं समझता हूँ अगस्त 21 में इशू हुआ था और उसके बाद वहां पे उनको जिनके ऊपर समन गया था उनको दो विकल्प था, या तो वो कोर्ट में आके बेल लेते जी कोर्ट प्रोसेस में, या उनको 205 में पर्सनल अपीयरेंस एग्जेम्प्ट होने का एक आवेदन दाखिल करना था। लेकिन वो समन से वारंट के बीच का एक प्रोसेस है, जैसे ही वारंट इशू हो गया जी और अगली तारीख इसमें अगली तारीख जो है वो 22/10, 22/10 को अगली तारीख नियत है बिल्कुल और उस दिन अब वो जो वारंट का तामिला वहां के लोकल पुलिस से ये कोर्ट यहाँ के स्थानीय कोर्ट डिमांड करेगी, उसके बाद आगे का मामला आगे जाएगा। बिल्कुल, ये अब जो उनको 205 वीडियो, का जी भी लाभ नहीं मिलेगा कोर्ट बिल्कुल, ये से जो वीडियो मैच है, ये ट्रिपल एक्स का चला जो ये सेकंड एपिसोड है उसके ऊपर ये पूरा विवाद जो हुआ है, ये सीन्स, एकता कपूर का कहना है कि उन्होंने ये सीन्स हटा दिए हैं उसमें से। तो नहीं, ये हटाने जी का हमारा कहना है कि कॉज ऑफ एक्शन जब एरोज हुआ तो कोई भी एक्शनेबल क्लेम लॉ में तब होता है कि मान लीजिए हम केस में कंप्रोमाइज कर लेते हैं, कल हमारा जो ये शंभू जी हैं उनको उनसे अपोलॉजी डाल दिया तो इससे केस खत्म नहीं होता है। दैट टाइम ऑन द डेट ऑफ ऑकरेंस
ये वीडियो अपलोड था और केस को चलने का आधार वहीं से था। हटाने की बिल्कुल बात मैंने भी सुनी जी और बाद में सर्च किया गया तो वो हटा हुआ पाएगा। जी अच्छा एक पाठक मैसेज जी है जी निर्माताओं को, जो है उनको एक मैसेज है इस केस के माध्यम से कि कोई भी अपमानजनक टिप्पणी किसी भी वर्ग के प्रति नहीं करना चाहिए, बिल्कुल जिससे कि बिल्कुल प्लस किसी। जी। अच्छा इसमें एक और चीज सामने इस पूरे केस में निकल के सामने आ रही थी कि ये जो निर्माता निर्देशक हैं इसके, ये जो XXX नाम की वेब सीरीज है वो कोई और हैं, जो ऑल्ट बालाजी है वो एकता कपूर और शोभा कपूर का है, तो इसमें उनके खिलाफ क्यों केस आपने नहीं किया? नहीं, हमारा ये कहना है कि ये मामला तो उनके जो अटॉर्नी है या जी उनके जो सॉलिसिटर है उनको आके बताना चाहिए कोर्ट को। जैसे ही नोटिस गया वो स्टेज तो वेव हो गया, जिस स्टेज पे समन गया था इनका वो रिटर्न अपोलॉजी आना चाहिए था, जो स्पष्टीकरण था वो कोर्ट में डालना चाहिए था। अगर सर्विस को एवेट कर रहे हैं तो कोर्ट ने ये माना कि इनके ऊपर सर्विस जो वो सही है। सर बहुत बहुत धन्यवाद लीगल ऑब्जर्व के साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।